Good morning, class second. How are you all? I hope you all are well. This is your English period. Take out your English book. Basic English grammar and composition. Okay, now open chapter number 3. Before we start this chapter, let us revise what we have done till now in grammar section. Okay, our first chapter was about vowels and consonants. So there are 5 vowels and 21 consonants. Vowels are A, E, I, O, U, and consonants are the remaining ones. Okay, in next chapter, chapter 2, we learn about words in which you have turned 2 letter words, 3 letter words, 4 letter words, 5 letter words, 6 letter words, and so on. So words kya hote hain? Hamare letters जब एक साथ कंबाइन होते हैं और एक मीनिंगफुल वर्ड देते हैं तो उसे हम वर्ड बोलेंगे. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन आवर चैप्टर अल्फाबेटिक ऑर्डर. चैप्टर 3 अल्फाबेटिक ऑर्डर. इन द डिक्शनरी वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. जो हमारी डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी इज अ काइंड ऑफ बुक जिसमें आपके मीनिंग्स होते हैं. ओके, तो जो डिक्शनरी होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स आपके क्या होते हैं? जैसे ए बी सी डी ई. कभी आप कभी भी ए बी सी डी पढ़ते हो तो आप ऐसे तो नहीं पढ़ते ना, ए बी सी डी एम एन ओ पी, नहीं ना. एक आपका ऑर्डर रहता है जो कि क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T U V W X Y Z, है ना. तो ये पूरा आपका एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर है. तो उसी हिसाब से हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें भी जो वर्ड्स अरेंज होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होंगे. वर्ड्स डेट बिगिन विद द लेटर ए कम बिफोर वर्ड्स डेट बिगिन विद द लेटर बी एंड सो ऑन. इसका मतलब है जो सबसे पहला आपका वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? ए से. ओके, और उसके बाद जब ए वाले पूरे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे वर्ड्स, उसके बाद डिक्शनरी में कौन से लेटर के वर्ड्स आएंगे? बी के. ठीक है, तो एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहता है ये. फॉर एग्जांपल, एप एप्पल आम एस एक्स, ये सबसे पहले आएगा. फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट आएंगे बैट बैट बैट, बॉक्स बर्ड, डे डैन डेस्क, डॉग डक, फैन फायर फ्लाई फ्रूट, फन मैन मैट मीट मिल्क मड रेस रेडियो रेडिश राइस रूम टेबल टैप टूथ ट्रे एंड ट्री. ओके, ये किस ऑर्डर में हमारे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में. एंड सी दिस, ये सब ए से स्टार्ट है ना. सो ए पी. ओके, ए पी सिमिलर है. ए पी ई, पी के बाद क्या है? ई. और इसमें क्या है पी के बाद? पी. तो पी पहला आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर ई? ई आता है. तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या हो गया था? एप. नेक्स्ट में देखा आपने ए और पी. ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? ए और आर. पी पहला आता है, आर पहला आता है, P. तो सेकेंड वर्ड हमारा एप्पल हो गया. तो मतलब पहले आप फर्स्ट लेटर देखेंगे सबका, फिर आप सेकेंड से कंपेयर करेंगे, फिर अगर वो भी सिमिलर हुए तो थर्ड से कंपेयर करते हैं. ओके, लेट्स डू एक्सरसाइज. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसमें हमें क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें ये वर्ड्स लगाने हैं. ठीक है, फर्स्ट है सी. अब पहले तो हम सी से जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, चाइल्ड कैबेज क्लास कैरेट कॉक. ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ओके, नाउ सो फर्स्ट लेटर हमारा सबसे पहले क्या आता है? ए. सो ए हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है,
तो या तो ये फर्स्ट में होगा या ये फर्स्ट में होगा, ठीक है। अब इसमें ये दो सिमिलर है और ये टू सिमिलर है ना। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या है बी और इसमें क्या है आर, थर्ड वाला क्या है इसमें बी और इसमें आर, तो बी फैलाता है आर, बी कम्स फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा कैबेज, तो हम लिखेंगे सी ए बी बी ए जी ई कैबेज। सेकेंड ऑब्वियस है ये हमारा कैरेट होगा क्योंकि इन दोनों में हमारा फर्स्ट सेकेंड का चल रहा था, तो सेकेंड हमारा हुआ कैरेट, ओके। नाउ नेक्स्ट ए के बाद एच ओ और एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, एच फैलाया तो चाइल्ड। हम थर्ड देख रहे हैं, सेकेंड देख रहे हैं इसमें सी एच, ओके। थर्ड हमारा क्या आ गया इसलिए चाइल्ड। अब फोर्थ देखेंगे हम, फोर्थ क्या होगा हमारा एच आई जे के एल, एल पहले आता है और ओ लास्ट में, तो सी एल ए डबल एस क्लास, सी ओ सी के कॉक, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, द रिमेनिंग पार्ट यू विल डू एट योर होम, ओके। दिस इज योर होमवर्क। So that's all for today. Thank you and have a nice day.